मुस्तफा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। ये 7 तारीख है, आज अगस्त का महीना है। ये गोकाक में औंटी मोहल्ला है, मुल्ला मस्जिद के बाजू में। यहाँ का नज़ारा आप देख सकते हैं कि पूरे घरों के अंदर क्या है, पानी पहुँच चुका है। ये साधु साहब के दरगाह हैं यहाँ पे। यहाँ का नज़ारा भी आप देख सकते हैं, पूरा 5-6 फुट पानी ऊपर चढ़ा हुआ है। यहाँ के तमाम दरगाह के अंदर भी पानी घुसा हुआ है, जो हम नहीं जा सकते। मकानों के अंदर भी पानी घुसा हुआ है। तो तमाम साथी क्या है, दुआ करें भी, ख़ास करके पानी इससे ज़्यादा नहीं चढ़े, कम हो जाए। बहुत लोग यहाँ के परेशान हैं। तमाम साथी एक दूसरे की मदद करें भाई, रहने के लिए, खाने के लिए। देखो ये मुल्ला मस्जिद के पीछे का नज़ारा है, देख सकते हैं। बहुत लोग परेशान हैं। तमाम साथी क्या है, दुआ करें भाई, इधर हम नहीं जा सकते। बहुत लंबा पानी है, जाने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम साथी दुआ करें भाई, जो परेशान है उसकी मदद करे, जो खाने के लिए मोहताज है उसकी मदद करे, जो सोने के लिए लोग यहाँ पे मोहताज हैं। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम हर एक आदमी परेशान है, सबके घर डूबे हुए हैं, सबके घरों के अंदर क्या है, पानी चला गया है। तमाम साथी बराए मेहरबानी ख़ास करके दुआ करें। ये मुल्ला मस्जिद के पीछे का नज़ारा है, औंटी मोहल्ला। आप यहाँ से गुजरे होंगे, शायद आप लोगों का भी ये रास्ता पहचान ही नहीं लग रहा होगा। ये देख सकते हैं मुल्ला मस्जिद के पीछे का नज़ारा है भाई, इतना पानी चढ़ा हुआ है। पूरे घर जो एक मंजिल के घर थे पूरी तरह डूब चुके हैं। जो दो मंजिल के घर हैं वो एक एक मंजिल बाकी है, ऊपर का हिस्सा बाकी है, सिर्फ नीचे का पूरी तरह क्या है, डूब चुका है। ये खतीबों के मकान आते हैं, शायद आप लोग देखे होंगे, देख सकते हैं इनके मकानों के अंदर भी क्या है, पानी पूरी तरह क्या है, पहुँच चुका है, धस चुका है। यहाँ पे रहने वाला कोई नहीं है, पूरा एरिया, पूरा मकान, ये जितना पूरा मोहल्ला है पूरा खाली किया हुआ है। हर एक का सामान क्या है,
ना लेके जाने के लिए जगह है। दुआ करें, दुआ करें। सुनने में ये आ रहा है कि दो दफन हुए मुर्दे बाहर आए हैं निकल के, तो तमाम साथी दुआ करें कि अल्लाह ताला क्या है सबको लंबी उम्र दे, अच्छी सेहत दे, कोई हादसा ना हो, कोई इंतकाल का हादसा सुनने में ना आए, ऐसा दुआ करें साथी कि तमाम सा लोगों की अल्लाह ताला क्या हिफाजत करे, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, हर एक की हिफाजत करे, क्योंकि हर एक का कब्रिस्तान डूब चुका है। हिंदुओं का भी कब्रिस्तान पूरी तरीके से क्या है भाई डूब चुका है, मुस्लिमों का भी कब्रिस्तान क्या है पूरी तरीके से डूब चुका है। दुआ करें ये बिल्डिंग जो दो दो मंजिल की बिल्डिंगें हैं वो भी पूरी तरह से क्या एक एक मंजिल डूब चुकी है। ये मुल्ला मस्जिद का नज़ारा है, ये आप देख सकते हैं मुल्ला मस्जिद के सामने किबले की तरफ का नज़ारा, जो सीधा जाते थे वहाँ पर भी आप देख सकते हैं पूरी तरह पानी भर चुका है, ये पूरा इलाका खाली है। कम से कम जलाल मोहल्ले से लेकर बैड़ी काटे तक, नाका तक पूरा इलाका क्या है अभी मोमिन मोहल्ला, लक्कड़ मोहल्ला पूरी तरह पानी में डूब चुका है। यहाँ पे कोई इंसान नहीं है, सिर्फ पानी ही पानी नज़र आ रहा है और पानी बढ़ता ही जा रहा है अभी, कम होने का नाम नहीं ले रहा, पानी बढ़ता ही जा रहा है। तो तमाम साथी क्या है दुआ करो कि पानी ज़्यादा नहीं बढ़े, अल्लाह क्या है सबकी हिफाजत करे, कोई हादसा वगैरह ना हो। अगली वीडियो में फिर हम मिलेंगे इंशाल्लाह, दुआ में याद रखना। अस्सलाम वालेकुम। किबले की तरफ का नज़ारा है, मुल्ला मस्जिद के पीछे का नज़ारा घर, ये आप देख सकते हैं घर कितने डूबे हुए हैं, आधे से ज़्यादा क्या है भाई घर डूबे हुए हैं, ये देख सकते हैं नज़ारा, ये मुल्ला मस्जिद के पीछे का नज़ारा है, ये आप देख सकते हैं। आगे भी इंशाल्लाह आपको अलग अलग मोहल्ले के हालात बताएंगे, दुआ कीजिए कि हम आप तक वहाँ तक क्या है पहुँच सके, पानी इतना चढ़ गया है कि पहुँचना मुश्किल हो गया है, दुआ करो कि हर मोहल्ले के अंदर हम पहुँच कर आपको खबर बताएं। ये देखो भाई मुल्ला मस्जिद के पीछे का नज़ारा है, आप देख सकते हैं कितना पानी चढ़ा हुआ है यहाँ पे, देखो भाई। अब हम ज़्यादा यहाँ ज़्यादा देर नहीं रुक सकते भाई, इसलिए हम यहाँ से जा रहे हैं, पानी चढ़ रहा है, एक एक मिनट पे पानी चढ़ रहा है, तो फिर हमें इंशाल्लाह फिर अगर कल अगर वीडियो करने में आएंगे तो कल नज़ारा कुछ और होगा, हो सकता है। तमाम साथी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, दुआ की दरख्वास्त के लिए तमाम साथी कोई दूसरे एक दूसरे की मदद करें, भूखा के अंदर जितने लोग रहते हैं खाने पीने की मदद एक दूसरे की करें, सोने के लिए एक दूसरे को जगह जगह का इंतज़ाम करें भाई, बहुत सारे लोग घर से बेघर हो गए, सोने के लिए जगह नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, तो बहुत लोग परेशान हैं, तो तमाम साथी दुआ करें भाई उनके लिए। अगली वीडियो में मिलेंगे, दुआ में याद रखना। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हो सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें भाई ज़्यादा से ज़्यादा।